हरिओम अम्बज्ञा जय बापू। मेरा नाम टी उमा, मेरे हस्बैंड का नाम टी गोविंद राव। मैं कलकत्ता उपासना केंद्र में अभी हूँ। अब मैं ये एक्सपीरियंस 2001 का बता रही हूँ जो जमशेदपुर में मेरे साथ घटा था। तो हम लोग साईं बाबा के भक्त थे, साईं के बुक्स वगैरह पढ़ते थे। तो एक बार मेरे हस्बैंड के ऑफिस में विशेषांग बापूजी का आया था। उस विशेषांग को मैं ओम कृपा सिंधु श्री साईनाथाय नमः लिखा हुआ था, उसको देख करके वो घर लेकर आए। तो घर में एक्सपीरियंस हम लोग रोज़ पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे एक एक एक्सपीरियंस, और इवनिंग में मेरे हस्बैंड को भी बताते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक्सपीरियंस पढ़ते पढ़ते मिस्टर विनय बल से, यस सर उनका एक्सपीरियंस था, यस सर विनय बलसी जी लिखा हुआ था, उसको देख करके जब मैं एक्सपीरियंस पूरा पढ़ी, बोलते तब बताएं मेरे हस्बैंड कि ये नाम सुना हुआ है। तो ये फिर वो मैंने कहा कि उनका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर आने, हम लोग उनका मेरे हस्बैंड फ़ोन नंबर लेकर आए। फिर उनसे हम लोग कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किए, एक दो दिन लगा। तो फिर उनके रिसेप्शन से बताएं कि रिगार्डिंग वॉट, तो हम लोग बोले रिगार्डिंग अनिरुद्ध बापू। वह दिन थर्सडे का दिन था और वो बापू जी का प्रवचन का दिन था, वो हमें नहीं मालूम था। तो सात साढ़े सात बजे जब मैंने ऐसे फ़ोन किया तो विनय वासी जी बोले यस आई एम वेटिंग फॉर यू मिसेस राव करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने 10-15 मिनट मुझे बापू जी का प्रवचन सुनाया। तो वो सुनने के बाद हमें इतना बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने हमें ओम मन सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः का जाप बताया कि ये जाप बापूजी का है, आप करते रहिएगा। इस तरह से पहली बार बापूजी का को हम लोग जान पाए विशेषांक के थ्रू से। उसके बाद में इनके कंपनी का जो भी AGM वगैरह होता था ना, वो मीटिंग कभी भी टाटा हाउस में ही होता है बॉम्बे। कभी कोई साल 50 साल में कभी भी और कहीं नहीं हुआ है, ये टाटा हाउस में ही होता है। पहली बार जमशेदपुर में हुआ और 24 मई को विनय बलसी जी वो मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ जमशेदपुर आए। तब मिस्टर गोविंद उनको देखे और तभी उनका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद वो हमारे घर आए, बापूजी के विशेषांक, बापूजी का फ़ोटो सब ले करके आए, बापूजी के बारे में कुछ हम लोग को एक्सपीरियंस बताएं। उसके बाद हम लोग को बापू का बहुत अच्छा लगने लगा। तब से हम लोग बापू के दरबार में हैं और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो यही है। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी उस समय 8-9 साल की थी, वो स्कूल का प्लेग्राउंड ग्राउंड में खेलने के लिए निकली थी। तो कोई बच्चा ड्यूज बॉल से ऐसे फेंक रहा होगा, उसके सिर में लग गया। तो उसको बहुत हेड पेन होने लगा। वो स्कूल में टीचर को भी नहीं बताई कि बॉल से लग गया है। घर में आई तो तुरंत हमको नहीं बताई। उस समय सारे बहुत सारे गेस्ट थे हमारे घर में, वो लोग सब जाते हुए 7-7:30 ऐसे हो गया था। मेरे हस्बैंड को भी बेलपहार ऑफिशियल टूर में जाना था, तो वो लोग निकले, ये लोग ये भी निकल गए। और जमशेदपुर उस समय बहुत सेंसिटिव प्लेस हुआ करता था, जहाँ पर लेडीज़ कभी भी 8-8:30 के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं अकेले। ऐसा जगह में ये लड़की कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी। तो हम लोग एक गिलास दूध दे करके उसको बोले कि बेटा सो जाओ। वो आधा एक घंटा सोई, उसको 8:30 बजे के बाद में उसको बहुत जोर दर्द आने लगा। पूरा बेडशीट बेड कवर पूरा खींचने लग गई, मम्मा मम्मा चिल्ला रही। मुझे लगा कि वो स्वप्न देख रही है। तो मैं बोली कि बेटा सो जाओ। तो बोलती है कि नहीं मम्मा, मेरा हेड में पेन हो रहा। छोटा बच्चा लोगों को हेड में पेन नहीं होता है। तो ऐसे मैंने बोला तो बोलती है कि नहीं मम्मा, मेरे को ड्यूज बॉल से लग गया है। तब हम बोले कि अब क्या करें, उसको हेड में इतना ज़्यादा पेन था ना कि सिर हिला नहीं पा रही थी। तो फिर इनके ऑफिस के कोलिग्स को हमको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि आप लोग हस्बैंड वाइफ आ जाइए, ऐसे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसको लेके हम लोग गए थे, दैट डे सैटरडे था। तो डॉक्टर बोले इमरजेंसी में लेके गए, तो वो बोलते हैं कि एडमिट करना होगा। संडे के दिन कोई डॉक्टर आते नहीं है राउंड में। तो मैंने बोली कि मैं मुझे एडमिट नहीं करना है, आप मेडिसिन वगैरह दीजिए। तो बोला आपका रिस्क होगा। बोले चलेगा, हमको मेरे साथ मेरा साईं है, आप भेजो। तो मेडिसिन वगैरह सब लेकर के हम लोग घर वापस आ गए। घर आने के बाद में बच्ची बहुत मैंने पेन किलर दिया था, वो देने से भी उसको नींद नहीं आ रही थी, इतना उसको दर्द महसूस हो रहा था।
तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस समय हम लोगों के पास मोबाइल वगैरह नहीं था, ओनली लैंडलाइन हुआ करता था, और बिलपहार जो छोटा सा शहर है वहाँ पर भी गेस्ट हाउस वगैरह में लैंडलाइन होने के बावजूद भी लाइन कभी लगता नहीं था। तो रात भर हम लोग फ़ोन ट्राई किए लेकिन लाइन नहीं लगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस में जब गए, 8 o'clock पहुँचे, मेरा पहला फ़ोन गया। मैं बोली कि वापस आना ही है, ऐसे बेटी को चोट लग गया है, तो बोले कि अभी तो पहुँचे ही हैं। तो हम बोले कुछ नहीं हो सकता है, वापस आओ। तो तुरंत टेबल पर लेटर लिख के MD के टेबल पर रख के वो वापस निकले। वापस आने लगे तो आधा रास्ता तक तो आए, आधा रास्ता में डीरेलमेंट हो गया था, तो ट्रेन सब रुक जाती हैं। उसके बाद वहाँ से ये कैब लेकर के उस जमशेदपुर की तरफ आने लगे। तो ये सब करते करते नेक्स्ट डे 10:30 बज गया था। घर आने के बाद में हम लोग को मालूम नहीं कि न्यूरोसर्जन कौन है, उसका पता लगाना था। ये सब करते हुए 11 बज गया था। और इसको फिर पता लगने के बाद उनका फ्रेंड को लेकर के हम लोग उसको एक कार में 10-12 पिल्लोज रख के एकदम लेटा करके उसको लेके जा रहे थे। 10 का स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो वो बोलती है कि डैडी धीरे जाओ, मुझे मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बहुत दर्द हो रहा है। वो जो हम लोग के घर से, हम लोग सोनारी में रहते थे, कदमा जो सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट्स का रास्ता को 45 मिनट्स गाड़ी चलाया, इतना धीरे गाड़ी चलाते हुए गया। फिर जमशेदपुर जैसा शहर ऐसा था उस समय कि 10 बजे के बाद तो कुछ भी नहीं रहता है, 11:30 बजे तक तो सब सो ही जाते हैं। तो डॉक्टर के पास में जब गए तो उनका घर पूरा लंबा गार्डन, उसके बाद गेट। तो हम लोग गेट को बजा रहे हैं लेकिन कोई आ रहा नहीं था, तो खिड़की से लोग झांक रहे हैं लेकिन कोई खोल रहा नहीं था। तो मेरी बेटी को बोली कि मम्मा मेरे को वॉशरूम जाना है। हम बोले कि बेटा तुम तो छोटा बच्चा है, यहीं पर कहीं जाओ। बोली मम्मा आई कैन नॉट सिट। तो उसको इतना ज़्यादा झंझना जा रहा था सिर, तो बोली मम्मा आई विल डाई। तो हमको तब बहुत दुख लगा। हम बोले अरे मेरा बच्चा मेरे ही सामने डाई करके। हम बोले बापू हम अब कुछ नहीं जानते हैं, हम अपना जितना मानो कोशिश था हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा है। हम सुने हैं कि आप ही साईं हैं, हम ये भी सुने हैं कि आप डॉक्टर हैं, हम आपको नहीं देखे हैं लेकिन हम सुने तो हैं। तो यदि आप ही डॉक्टर हैं, आप ही साईं हैं, तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू कम, आना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो भगवान होते हैं करके कैसे मालूम होगा, मेरा बच्चा को कुछ हो जाएगा तो हमको कैसे बिलीव रहेगा। तो आपको विदिन 2 मिनट्स में यू हैव टू कम बोलते साथ, विदिन 2 मिनट्स में उसी घर से वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के एक आदमी बाहर आता है। वो हम और मेरी बेटी दोनों रो रहे हैं। वो ठीक मेरी बेटी का ही हाथ फिंगर पकड़ता है और उसको लेके ऐसे सिर में हाथ रख के सब ठीक हो जाएगा बोले हैं और उसको लेके जाते हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ना उसको कितनी मुश्किल थी, वो आराम से उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ी। फिर बेड में ऐसे लेटाए, वो आराम से लेट गई, कुछ ऐसे चेक वगैरह किए, फिर बेबी आज उतर जाओ बोलने से जंप करके उतर गई। जो इतना जाते समय इतना तकलीफ हुआ, जैसे वो जंप करके उतरी ना, मैं वहीं नीचे बैठ गई और रोने शुरू कर दी, यू आर नन अदर देन माय साई, मैंने बोला। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कंट्रोल योर सेल्फ, बोले नहीं कंट्रोल फेल है, यही मेरा साई है। और हमको अब तो फिर हम लोग को मेडिसिन कुछ लिखे थे, वो मेडिसिन लेने के लिए हम लोग गए। तो वहाँ पर एक नर्सिंग होम था, उसमें साईं का फोटो मूर्ति रखा हुआ था। मेडिसिन तो वहाँ नहीं मिला, मेरे हस्बैंड बोले देखो उमा साईं है। तो मैं गई, हम लोग गए, तो मेरी बेटी बोली हमको भी साईं को प्रणाम करना है। हम बोले कर लो। तो करने गए, हम बोले थ्रू आउट द वे यू आर देयर साईं, हमको तो पता ही है तुम है, अब मेरा बेटी का ठीक हो गया है, ऐसा मैंने कहा। फिर हम लोग वहाँ मेडिसिन नहीं मिला, बोले बच्चे की मेडिसिन है तो एग्जैक्ट मेडिसिन ही लेना चाहिए, हम लोग नहीं देंगे उसका सब्स्टिट्यूट। तो एक घर में वहाँ पर है कदमा में, वो लोग दिन रात देते हैं, माने सप्लाई रहता है वहाँ। तो वहाँ से जब मेडिसिन खरीदने गए तो 6 रुपये का मेडिसिन था, इतना बड़ा सर का चोट और 6 रुपये का मेडिसिन। तब हम लोग, और वापस जब जाने लगे ना, मेरी बेटी को वो बम्प्स आते हैं ना उसमें गाड़ी जब चलाते हैं, तो बोलती थी कि डैडी फ्रॉग रेस कराइए, हमेशा उसको वैसा करने का आदत था। तो बोलती है डैडी फ्रॉग रेस कराओ, और स्पीड और स्पीड। जो बच्ची आते समय 10 का स्पीड नहीं बर्दाश्त कर रही थी, जाते समय फ्रॉग रेस करवा रही है और स्पीड और। तो मैं पीछे बैठ के रोने शुरू कर दी, बोलती है मम्मा क्यों रो रहे हो, हम बोले मेरा बच्चा अच्छा हो गया। तभी मैं बोली कि नहीं मुझे हमको कल ही जाना है मुंबई। तो हम लोग कभी मुंबई नहीं आए, मुंबई कैसा होता है नहीं जानते हैं, मुंबई में किसी को पहचानते नहीं। मेरे हस्बैंड बोले मुंबई जाना मजाक है क्या,
तो हम बोले हमको नहीं पता मजा के कि क्या है, हमको लेकिन जाना है, कल ही जाना है। तो बोले लीव मिलेगा क्या? हम बोले वो देगा तो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, जाने आने का ईस्टर्न ट्रैवल को फ़ोन करे, टिकट आ गया। तो उसके बाद में लीव एप्लीकेशन रखा, लीव सैंक्शन हो गया। फिर हम लोग बोले कि अब आने जाने का खर्चा का क्या होगा, क्या मालूम, वैसे तो कुछ प्लान नहीं था। तो हम लोग ठीक बैंक में है कि नहीं, हम बोले नहीं पता तो दो पासबुक लेके। हम बोले साईं इसमें जितना रहना है तुम ही समझो, हमको आने जाने का खर्चा निकालना है, ऐसे उनका चरण में रख करके बोल के हम लोग चले गए। तो बैंक में जाके सारा चीज़ ऐसे कटता है ना, कट जाने के बाद में वो LIC देना है, ये देना है, वो देना है बोल के, वो सब कटने के बाद, तो उस समय 6,000 रुपये हाथ में था, फिर क्रेडिट कार्ड भी हाथ में था। तो हम लोग बोले चलो क्रेडिट कार्ड से बाकी का काम हो जाएगा, कैश भी इतना है, चल उसको लेकर के मुंबई में आए बापूजी के साई निवास में। पहले हम लोग गए तो वहाँ पर मीना वैनी थी, वो बोली बापूजी इंतज़ार कर रहे हैं जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, हम बोले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बोले हाँ जाओ। फिर हम मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर लता, हम लोग 5 जन आए थे। फिर हम लोग बापूजी के क्लिनिक दादर में गए, वहाँ पर दर्शन लिया, बापूजी का चरण स्पर्श मिला हम लोग को। उसके बाद बापूजी काजू दिए, काजू खाए, फिर बापूजी का दर्शन करके बाहर निकले। तो सब बोल रहे थे कि ऐसे बापू बाहर निकलेंगे दर्शन देते हैं, फिर तो बाहर निकले। मेरी बेटी को चलने वाले भगवान चाहिए थे, तो वो बोलती थी कि मम्मा चलने वाले भगवान होने से कितना अच्छा ना, हम लोग तो फोटो में देखते हैं। जब वो बैठे थे बापूजी चरण स्पर्श लिया तो उसको तो समझ नहीं आया, लेकिन जब बाहर आए ना बापू तो ऐसे निकले तो वो कूदने लगी, बोलती मम्मा चलने वाले बापूजी, चलने वाले बापूजी, इतना चलने वाले भगवान हम लोग को मिल गए बापू। तो बापू उनके उसके सिर पर ऐसे करके हाथ रखे, ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हरिओम।